हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरी न्यू वीडियो में। आज हम आप सबके लिए लाए हैं एक शैम्पू टॉक्स का। हमने आपके लिए मंगवाया है अमेज़ॉन से। हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको बताते हैं इसका कौन सा हमने शैम्पू लाया है। चलो देख सकते हो, ओपन हो गया है ये। गाइस, प्रोकोड शैम्पू है, कुछ इस तरह है। इसका प्राइस है 290। बहुत अच्छा शैम्पू है। आगे आपको बताएंगे कि क्या क्या इसकी बेनिफिट्स हैं। देख सकते हो कुछ इस तरह दिखता है प्रोकोट शैम्पू। आगे बताते हैं आपको, वीडियो में बने रहें। फाइनली गाइस, आज हम आपके लिए डॉग को हम नहलाएंगे प्रोकोट शैम्पू के साथ, जो आपने वीडियो में देखा था, जो हम आपके लिए लाए थे न्यू शैम्पू प्रोकोट। और नहलाने से पहले हमने ये तेल लगाया है, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। नहलाने से पहले तेल जरूर लगाएं, इससे हेयर फॉल कम होगा। और फिर देन 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आप इसको नहला सकते हो प्रोकोट शैम्पू के साथ। और हमने हाफ फिल कर दिया है हमने अपनी दूसरी बोतल में। यही शैम्पू ये है, हमने हाफ फिल इसमें किया है। देख सकते हैं ऐसा कुछ तरह का वाइट कलर का शैम्पू है ये। हम आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं। वो हमने ओगी को तेल लगा के वहाँ पे बैठाया, आप देख सकते हो वहाँ पे बैठा होगा, वो बैठा है, देख सकते हो तेल अभी अभी लगा के बैठा है वो। हम वेट कर रहे हैं उसका, जब वो तेल सूखेगा तब हम उसको नहलाएंगे। बने रहे वीडियो में, हम आपको बताएंगे कैसे लगाते हैं ये प्रोकोट शैम्पू। फाइनली गाइस, अब वो पल आ चुका है, ओगी अब नहाएगा। हम आपको बताएंगे कैसे नहाता है। और एक बात आपको मैं भूल गया था बताना, आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, हमेशा ठंडे की मौसम में कभी नहीं नहलाना, ऐसे आपका डॉग बीमार हो सकता है। जब धूप चढ़ी हो, धूप वाले मौसम में इसको नहलाना। ठंडे की मौसम में नहलाओगे आपका डॉग बीमार हो सकता है, ऐसे हमारे साथ हुआ था, हमें पता है, आपको हम बता रहे हैं। जैसे ये धूप है बाहर, देख सकते हो ये ऊपर वेदर, देख सकते हो ये धूप, ऐसे मौसम में इसको साफ सुथरे मौसम में नहलाना। ऐसे मौसम में आपको नहलाओगे तो आपका डॉग ठीक रहेगा। देख सकते हो यहाँ से उठ के वो चल चुका है, एक जगह वो बैठता नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस, आपको हम आगे बताते हैं कैसे इसको नहलाते हैं प्रोकोट शैम्पू के साथ, बने रहे हमारे वीडियो में। गाइस, फाइनली हम इसको नहलाने के लिए आ चुके हैं। देख सकते हो हम इसको पानी फेंक रहे हैं, जगदम पानी ज़्यादा मत फेंकें, थोड़ा थोड़ा करके पानी बॉडी में फेंकें, इससे टेम्परेचर बने रहता है और बीमार नहीं होगा। देख सकते हो हम इसको पानी फेंक रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ये रहा प्रोकोट शैम्पू और वो तेल। हमने आपको बताया था आधा फिल हमने इस जगह में किया हुआ है, देख सकते हो हम ये
आपके सामने लगा के बताएंगे अपने डॉग में। बने रहे वीडियो में। देखो अच्छे से, पहले आप अपने डॉग को गीला कर लें शैम्पू लगाने से पहले। देख सकते हो आप, हम इसको धूप में नहला रहे हैं, आप भी अपने धूप में लगाएं अपने डॉग को। पहले अच्छे से गीला कर लें अपने डॉग को। चलिए इसे हम गीला करते हैं, आप बने रहें। देख सकते हो ये फनी डांस करता भी है और बैठता भी है। देखो कैसे बैठा हुआ है, देख सकते हो। हमारा डॉग चुपचाप से नहाता है, बहुत शरीफ डॉग है हमारा। देख सकते हैं इसकी फेस से कितना शरीफ है। अभी इसको हम गीला कर रहे हैं अच्छे से। आप भी अपने डॉग को गीला कर दो। देखते रहो आप वीडियो। चलिए हम फिर से फिल करके ले आए अपनी बाल्टी पानी से। पहले पानी हमारा खत्म हो गया था इसको नल गीला करने से। अब हम शैम्पू लगाते फाइनली। आप देखो जैसे हमने बताया था, हमने इस पर फिल किया वो प्रोकोट शैम्पू। आप देख सकते हो हम लगा रहे हैं अपने डॉग को। आप भी अपने अच्छे से अपने डॉग को मालिश करें, लगाने से लगाओ और मालिश करो। बने रहो वीडियो में। इस शैम्पू की खासियत ये है, ये खुशबूदार भी है और आपके डॉग का अगर हेयर फॉल हो रहा है उसको भी ये रोक लगाता है और टिक से भी बचाता है। इस शैम्पू की खास बात ये है, तभी हमने ये शैम्पू मंगवाया है अमेज़ोन से और आपको हम बता रहे हैं लगा के। देख सकते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो इसको भरपूर मात्रा में लगाएं शैम्पू। जैसे आपको हमने बताया, समर सीजन में आप हफ्ते के दो बार नहला सकते हो अपने डॉग को। ये शैम्पू अच्छा है। अच्छे से अपने डॉग की मालिश करें जैसे हम अपने डॉग की कर रहे हैं। तो शैम्पू लगाने के बाद आप 10 मिनट छोड़ दें अपने डॉग को। मालिश करके अपने डॉग को 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप 10 मिनट्स बाद आप अपने डॉग को नहला सकते हो। आपको हम आगे बताते हैं। गाइस, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट जानकारी बताता हूँ। देख सकते हो, अपने तेल लगाने के बाद अपने डॉग को अच्छे से ऐसे रब करें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ताकि जो
आपने शैम्पू लगाया है बॉडी में वो अंदर तक जाए और जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए। अच्छे से मालिश करें ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम हो रही है इसकी। फाइनली गाइस हमने अब इसकी मालिश कर दी है अच्छे से। अब हम अपने डॉग को 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो शैम्पू लगा है इसकी बॉडी में वो सूख जाए अच्छे से। आप स्क्रीन में देख सकते हो हमने टाइमर आपके लिए लगाया है 10 मिनट्स के लिए हम छोड़ेंगे अब अपने डॉग को। बने रहे अपने डॉग को भी 10 मिनट्स के लिए छोड़ो, वो ज़रूरी होता है बहुत, ताकि जो भी इसके बैक्टीरिया है जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। हम अपने डॉग को 10 मिनट्स के लिए छोड़ते हैं, आप भी अपने 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। फाइनली गाइस 10 मिनट्स हो गए हैं। तो गाइस हमने अपने डॉग को नहलाना स्टार्ट कर दिया है, आप भी अपने डॉग को नहलाना स्टार्ट कर सकते हो। और हम अभी हम पानी फेंक रहे हैं, आप भी अपने डॉग को पानी फेंको अच्छे से, उसका जितना भी शैम्पू लगा हुआ है अच्छे से उतार लो। जल्दी से हम साफ करते हैं, आप भी जल्दी से कर लो। तो गाइस अपनी वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।